इंसान की आजादी की कहानी है, जंजीरों से जकड़े दिन और घुप अंधेरी काली रातों की कहानी है। कहानी उनकी जिनके अनगिनत कंधों और पीठ पर चढ़कर आजादी का संघर्ष किया। 1857 ब्रिटिश साम्राज्य का एक क्रूर चेहरा ईस्ट इंडिया कंपनी। सिपाहियों को एक नए किस्म की राइफल थी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूस चर्बी से बने थे और यहीं से ब्रिटिश सरकार का विरोध मंगल पांडे ने किया। उनकी शहादत बारूद का ढेर से पहली चिंगारी थी और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते पूरा देश बगावत की आग में दहकने लगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले पे कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर दिए गए। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में एक युग का अंत हुआ। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आज सके जो देश के काम नहीं। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई देने लगी। 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी, इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश में दुख की लहर दौड़ गई। स्वतंत्रता संग्राम के नव मंडल में एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। जनता ने इस फैसले को हाथों हाथ लिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। जहां एक तरफ देश विदेशी शोषण से लड़ रहा था, वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर छुआछूत जैसी सामाजिक बीमारी से लड़ रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने नमक जैसे बुनियादी चीज पर भी भारी टैक्स लगा दिया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते सारे देश में नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अंगों सुकून के साथ सत्याग्रहों का समूह। पुलिस ने सत्याग्रहों के समूह पर खुलेआम गोली चला ली। जब आगे खड़े लोग गोलियों से छलनी होते गए, तब पीछे खड़े लोग आगे आते गए। अहिंसा के मार्ग पे अटल, उन्होंने पुलिस पर पलटवार नहीं किया।
ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी समर्पित। देश मेरे, मेरी शान है तू। देश मेरे, मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे, मेरी जान है तू। देश मेरे, मेरी जान है। महात्मा गांधी ने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसके आने के कुछ समय बाद ही गांधी जी, नेहरू जी, अब्दुल कलाम आजाद जी गिरफ्तार कर लिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक आंदोलन था। देश भर के लोगों ने इसमें अपना सर्वस्व झोंक दिया। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में नेताजी ने एक आजाद हिंद फौज की प्रखर सैन्य मुहिम जारी की। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। भारतवासी अपनी सदियों पुरानी गुलामी की बेड़ियां पिघलाने की कगार पे थे। यह समय अब तिरंगा फहरा देने का था।